हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं सेल्स ऑफ बर्ड। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो टॉप 5 डेंजरस डॉग ऑफ दी बर्ड, जो दुनिया के 5 खतरनाक डॉग के ऊपर है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो टाइम बिना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैस्टिफ डॉग, इनकी हाइट 76 सेंटीमीटर मतलब 30 इंच होती है, और नर मैस्टिफ डॉग का वजन 73 से 104 किलोग्राम होता है, और इनके कलर एप्रिकॉट फोन, सिल्वर फोन, फोन और डार्क फोन ब्रिंडल होते हैं। दोस्तों मादा मैस्टिफ की हाइट 70 सेंटीमीटर होती है, और इनका वजन 54 से 77 किलोग्राम होता है, और इनकी कोट फाइन और बिल्कुल स्मूथ होती है। दोस्तों मैस्टिफ डॉग, जिसका नाम हर कोई नहीं जानता, पर यह कुत्तों की एक बड़ी नस्ल का नाम है, जो अपने विशाल आकार, बड़े सिर और रंगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। मैस्टिफ अपने विनम्र स्वभाव के लिए विख्यात है। अब तक के सबसे भारी कुत्ते का रिकॉर्ड 343 पौंड इंग्लैंड के लासूसा के एकमा जोरवा नाम के कुत्ते के नाम दर्ज है। हालांकि इससे भी भारी कुत्ते का दावा मौजूद है, पर मैस्टिफ एक विशेष रूप से बड़ा कुत्ता है, जिसके लिए सही आहार और व्यायाम की ज़रूरत होती है। कुत्ते के पूरे जीवन में नियमित व्यायाम बरकरार रखा जाना चाहिए, नहीं तो इसकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। इनका संभावित जीवन काल 7 से 14 वर्ष तक का होता है। दोस्तों सेंट बर्नार्ड अधिकतर स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं, और इनको निकनेम सेंट के नाम से बुलाया जाता है। इनकी हाइट 70 से 90 सेंटीमीटर होती है, और नर सेंट बर्नार्ड की वेट 64 से 82 किलोग्राम होता है। इनका लाइफ स्पैन 8 से 10 ईयर्स होता है। दोस्तों सेंट बर्नार्ड मादा का हाइट 65 से 80 सेंटीमीटर होती है, और इनका वेट 54 से 64 किलोग्राम होता है, और इनका लीटर शायद 10 पपीज का होता है। दोस्तों सेंट बर्नार्ड डॉग बहुत स्नेही कुत्ते होते हैं। सेंट बर्नार्ड डॉग बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, और इसे बहुत आसानी से प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसे बचपन से ही ट्रेंड किया जाए तो काफ़ी बेहतर रहता है। उसे अपने आकार और शक्ति का महत्व देने के लिए सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह शांत, स्नेही, दयालु, वफादार और बहुत धीरज रखता है। वह सतर्क रहता है। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो खुद के लिए कार्य करने में सक्षम है। इसे खुली और चौड़ी जगह पर रहना अच्छा लगता है। यह बच्चों के साथ खेलता है, और किसी भी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं होती। इनका संभावित जीवन काल 10 वर्ष का होता है। इन्हें ज़्यादातर फैमिली लोग एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट और शानदार डॉग होते हैं। बॉक्सर डॉग्स को जर्मनी में ब्रीड किया जाता है, और ये उधरी लोकप्रिय अधिकतर हैं, और एक नर बॉक्सर की हाइट 22 से 25 इंच होती है, और इनका वेट 65 से 75 एलवी मतलब 29 से 34 किलोग्राम होता है। इनका कलर फोन और ब्रिंडल एंड वाइट होता है। इनका लाइफ स्पैन एवरेज 9 से 15 साल का होता है। इनकी कोट ये शॉर्ट और शाइनी, स्मूथ और क्लोज लाइन वाले होते हैं। एक मादा बॉक्सर की हाइट 21 से 24 इंच मतलब 53 से 61 सेंटीमीटर होती है, और इनका वेट 25 से 32 किलोग्राम होता है मतलब 55 से 70 एलवी, और इनका लीटर साइज एवरेज 6 से 8 पपीज का होता है। दोस्तों बॉक्सर डॉग का नाम आपने सुना ही होगा, और कई लोगों ने इसे देखा भी होगा। यह जर्मन में विकसित बॉक्सर एक छोटे कद का कुत्ता होता है, जो मध्यम आकार और छोटे बालों वाली कुत्तों की नस्ल है। इसकी त्वचा का रंग हल्के पीले या सफ़ेद रंग का, इसके शरीर पर सफ़ेद रंग की धारियां से युक्त या सफ़ेद धारियों से रहित भी
हो सकता है। बॉक्सर की खोपड़ी चौड़ी और छोटी होती है। इनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और एक बड़े शिकार को भी सख्ती के साथ काट सकते हैं। बॉक्सर अंग्रेजी बुलडॉग जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं उनकी बनाई गई नस्ल है। बॉक्सर को सबसे पहले 1895 में म्यूनिच में सेंट बर्नार्ड डॉग के लिए किए गए डॉग शो में प्रदर्शन के लिए रखा गया जो पहला बॉक्सर क्लब था। बॉक्सर डॉग मित्रतापूर्ण मतलब फ्रेंडली होते हैं, जीवन साथी हैं। पारिवारिक कुत्तों के रूप में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी होते हैं और ये दुनिया में अपना नाम बनाते जा रहे हैं। दोस्तों आयरिश वुल्फहाउंड डॉग आयरलैंड में पाए जाते हैं। एक आयरिश वुल्फहाउंड नर का वजन 81 से 86 सेंटीमीटर होता है और इनका वेट मिनिमम 54 से किलो का होता है। इनके कलर ग्रे ब्रिंडल रेड ब्लैक वाइट फोन विटन होते हैं और इनका लाइफ स्पैन 6 से 10 इयर्स का होता है। एक मादा आयरिश वुल्फहाउंड की हाइट 71 सेंटीमीटर होती है और इनका वेट मिनिमम 40 किलो होता है। इनकी कोट डबल कोटेड होती हैं, स्ट्रेंथ हार्ड कोटेड और इनकी लीटर साइज 6 पपीज का होता है। दोस्तों आयरिश वुल्फहाउंड डॉग जिसका काफ़ी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा पर यह डॉग बहुत ही लंबे होते हैं। इनका प्रयोग बुल्फ का शिकार करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इनका नाम आयरिश वुल्फहाउंड डॉग रखा गया है। और भी काफ़ी बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनको घरों में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये काफ़ी लंबे होते हैं और इन्हें घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है और इन डॉग को डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत भी पड़ती है। कम से कम इन्हें डेली एक हावर मतलब एक घंटे फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, नहीं तो यह काफ़ी ज़्यादा लेजी हो सकते हैं। दोस्तों रोडेशियन रिजबैक जो साउथर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं और एक डॉग की हाइट 63 से 79 सेंटीमीटर होती है और इनका वेट 40 से 50 किलो होते हैं। इनके कलर्स लाइट विटन टू रेड विटन, अ लिटिल वाइट ऑन दी चेस्ट एंड टोज इज प्रीमेशियल अ डार्क मजर एंड ईयर्स प्रीमेशियल एक्सिस ब्लैक हेयर थ्रू आउट दी कोट इज एंडेशेडेड टू नोज कलर्स आर प्रीमेशियल ब्लैक एंड लीवर। एक मादा रोडेशियन रिजबैक की हाइट 24 से 30 इंच होती है मतलब 60 से 75 सेंटीमीटर और इनका वेट 40 से 50 किलो होता है और ये शॉर्ट एंड डेंस स्लिक एंड ग्लोजी इन अपीयरेंस कोटेड की होती है और इनका लाइफ स्पैन 13 इयर्स का होता है। दोस्तों रोडेशियन रिजबैक डॉग जिसको आपने देखा ही नहीं होगा, कुछ ही लोगों ने उसे टीवी या फ़ोन के थ्रू देखा होगा और कुछ ही लोगों ने उसे फेस टू फेस भी देखा होगा, पर रोडेशियन रिजबैक ये बहुत बहादुर कुत्ता है होता है। ये रखवाली व शिकार दोनों के काम आते हैं। यह बहुत एग्रेसिव डॉग होता है। यह शेर और चीते जैसे बड़े बड़े शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी ब्रीड लॉयन और हंटिंग के लिए ही ब्रीड किए गए थे। ये उन्हीं के उपयोग के लिए ब्रीड किए जाते थे पर अभी तो इन्हें पालना भी स्टार्ट कर दिया गया है क्योंकि ये लोगों की बहुत ही पसंदीदा डॉग के नंबरों में आते हैं। अगर दोस्तों किसी भी डॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें।